भाजपा पार्टी के सहयोग से शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में राष्ट्रभक्ति और देश प्रेम की भावना देखने को मिली। शहीदों को सम्मान देने के लिए इंद्री स्थित सिंचाई विभाग के विश्राम गृह पर भारी संख्या में जन सैलाब उमड़ा। जय जवान जय किसान के नारे लगाए गए। लोग हाथों में तिरंगे झंडे लिए हुए थे। भारत माता की जय हो का उद्घोष किया गया। शहीद उधम सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा विश्राम गृह से शुरू होकर शहीद स्मारक से होती हुई इंद्री शहर के अंतिम छोर तक पहुंची और फिर वापस वहीं पर आकर समाप्त हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक रामकुमार कश्यप ने शिरकत की। इस अवसर पर बोलते हुए विधायक रामकुमार कश्यप ने कहा कि शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा शहीदों को सम्मान देने के लिए निकाली गई है। उन्होंने कहा कि शहीदों के सम्मान में हर वर्ष यूं ही मेले लगते रहेंगे। वीर जवानों के कारण ही आज हम खुली हवा में आजादी से घूम रहे हैं। देश के वीर जवान सीमाओं पर पहरा देते हुए अपने प्राण निछावर कर देते हैं और देश को सुरक्षा प्रदान करते हैं। ऐसे वीर जवानों की शहादत को कभी भूलना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि महान स्वतंत्रता सेनानियों की बदौलत ही हमें आजादी मिली थी। मतलब हजारों हजारों की संख्या में हमारे बुजुर्ग भाई, हमारे युवा महिलाएं पुरुष, और मैं कहता हूँ छत्तीसगढ़ के लोग, विशेष रूप से हमारे इसमें मुस्लिम भाई काफ़ी आए, सरदार हम समाज से बहुत लोग आए, तो मैं सभी का आपके चैनल आपका धन्यवाद करता हूँ। और मैं सभी जो आज ये छत्तीसगढ़ के लोगों ने यहाँ पहुँच करके शहीदों को मान सम्मान बढ़ाया, झंडे का ऊंचार रहने के लिए आह्वान किया, देश के शहीदों को, देश भक्तों को जिन्होंने इस देश के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, अपने परिवार को छोड़ा, अपने बच्चों को छोड़ा, उनको सम्मान देने के लिए इंद्री हलके के सभी देश भक्तों ने मिलजुल कर जातिगत राजनीति और धार्मिक संस्थाओं से ऊपर उठकर तिरंगे के सम्मान के लिए पद यात्रा रामकुमार कश्यप जी और संजय भाटिया जी के नेतृत्व में और मुझे सहयोगी के रूप में निकाली है। ये पूरी शत प्रतिशत सफल रही। विजय विषम तिरंगा हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये कोई एक पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, ये देश का राष्ट्र भावना जिस कार्यक्रम में देखने को आई है। जिन शहीदों ने हमें ये आज़ादी दिलाई, जिनके उनके मान सम्मान के लिए आज यहाँ पर इंद्री विधानसभा का सैलाब उमड़ पड़ा, सभी महिलाएं, सभी सामाजिक संस्थाएं और धार्मिक संस्थाएं और सभी ने बढ़ चढ़ कर, युवाओं ने भी इसमें योगदान दिया और किसान बड़ी भारी संख्या में आज इस यात्रा में पहुँचे हैं।